अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा फिंचेस पर, कि फिंचेस ने नेस्टिंग की हुई है लेकिन अंडे नहीं दे रही। तो ये सारी बात मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, मेरे पास भी फिंचेज हैं। मैंने ये आपके लिए लैदा की वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं दिखाता हूँ, ये इन्होंने अभी नेस्टिंग की हुई है लेकिन अभी तक अंडे नहीं दिए। एक अंडा दिया था, वो भी इनफर्टाइल निकला। तो ये दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने अभी नेस्टिंग की हुई है, पता नहीं कितने दिनों से की हुई है इन्होंने, तो अभी तक एग ले नहीं किया। तो मैं इस पर ही आज वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपकी फिंचेस भी ऐसी हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ कि अगर आपने एक पिंजरे में रखी हुई हैं, तो अगर ये जो ऊपर बैठी हुई है सफ़ेद सफ़ेद कलर की, ये मादी है और ये नर है, ये देख सकते हैं आप। तो अगर आपने भी इस तरह ही रखी है, अगर सफ़ेद मादी है या सफ़ेद नर है, तो ब्लैक वाली मादी है या ब्लैक वाला नर, तो आप उनको चेंज करें। आप ब्लैक, दोनों ब्लैक रखें या दोनों वाइट रखें, क्योंकि इस तरह इनका पेयर नहीं बनता, तो ये ब्रीड नहीं करती सही से। दूसरी बात, अगर आपने दोनों वाइट रखी हैं या दोनों ब्लैक रखी हैं, तो आप देखें कि अगर आप इनके केज को हलाते हैं तो इनके केज को हम मत हलाएं, क्योंकि इस तरह कोई भी परिंदा ब्रीड नहीं करता। यानी कि हलाने से मतलब इधर से ठा के उधर रख दिया, उधर से ठा के इधर रख दिया, इस तरह नहीं करना आपने। तीसरी बात ये भी हो सकती है कि अगर आपने पिंजरे को एक जगह रखा है, ला नहीं रहे और नर मादा दोनों वाइट है या ब्लैक है, तो फिर भी ब्रीड नहीं कर रहे, तो आपने ये देखना है कि इसके गिर्द कोई बच्चे तो नहीं घूमते, क्योंकि बच्चों से या बड़ों से कोई भी हो, परिंदा जो भी होगा आपके पास, वो डरेगा यानी ब्रीड नहीं करता इस तरह। अगर आप उसके करीब बैठे रहेंगे 24 घंटे, तो आपने वहाँ रखनी है इसको जहाँ यानी कि कोई भी ना जाता हो। ये देखें, मैंने ऊपर रखी हुई है छत पर, यहाँ कोई भी नहीं आता, यहाँ सिर्फ मैं ही आता हूँ, दाना पानी डाल के फिर वापस चला जाता हूँ। तो ये मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाई छोटी सी। तो ये 3 टिप्स बहुत इजी हैं, आप ये नोट करें। अगर इनमें से कोई है तो आप अभी सेट कर लें और इंशाल्लाह आपके पास अच्छी ब्रीड करेंगी ये। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करें कि वीडियो कैसी बनी। इजाज़त दें अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।